सुपरस्टार शाहरुख खान ने हाल ही में मुंबई में कोरियोग्राफर शामक दावर की मौजूदगी में इंडियन अकेडमी अवार्ड का शुभारंभ किया। इस दौरान जब रिपोर्टर ने उनसे अवार्ड के बारे में बात की तो किंग खान ने क्या कहा, आइए देखें। एक्चुअली आई थिंक थोड़ा टेलीविजन ने बर्बाद कर दिया अवार्ड फंक्शंस को ऑनेस्टली क्योंकि अभी क्या हो गया है कि जो भी अवार्ड का फंक्शन होता है वो टेलीविजन फ्रेंडली ज़्यादा हो गया है, GEC के लिए ज़्यादा हो गया है और ये बहुत दुखद बात है मेरे हिसाब से। बहुत सारे हैं और शुरुआत बहुतों की एक अर्नेस्टनेस और एक एथिक के साथ होती है कि वी विल ट्राई टू गेट द बेस्ट पॉसिबल वे टू जज पॉपुलैरिटी और द क्रिटिकल कंटेंट ऑफ अ फिल्म एंड फिल्म मेकर्स एंड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, बट कहीं ना कहीं पर हम उस लूप में फंस जाते हैं। आई वोंट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट एवरीबडी ट्राइज टू बी क्रेडिबल, आई थिंक एवरीबडी ट्राइज टू मेक द बेस्ट एफर्ट पॉसिबल, बट आई थिंक रीजंस ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स समटाइम्स डोंट लेट इट गो टू द एक्सटेंट। सो द अजम्पशन एवरी टाइम इज कि जब भी एक अवार्ड फंक्शन नया वाला आता है और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऐसे लोगों के साथ जो एक अर्नेस्ट एफर्ट कर रहे हैं, सो होप पे तो दुनिया कायम है, सो यू अज्यूम दिस वन इंडियन अकेडमी अवार्ड्स विल मेक श्योर कि प्लेटफॉर्म जैसा भी हो, एंटरटेनिंग हो, कि कैन वी गेट एंटरटेनमेंट एंड द ऑथेंटिसिटी एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ अवार्ड्स टू मिक्स इन सच अ वे दैट यू कैन वॉच बोथ, यू हैव अ ग्रेट फंक्शन ऑन टेलीविजन एंड यू आर एबल टू ऑल्सो अप्रिशिएट द फैक्ट दैट मे बी परहैप्स नॉट योर मोस्ट पॉपुलर चॉइस एज वन बट समवेयर डाउन द लाइन द करेक्ट चॉइस एज वन। शाहरुख खान हमें बहुत जल्द फिल्म रईस में नजर आएंगे जो ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म काबिल के साथ 25 जनवरी को रिलीज होगी। INS रिपोर्ट।